नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार EVRH न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये खबर। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शालीमंडा जो डिवीजन है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा शालीमंडा डिवीजन को भी लगता है और यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे जनाब मुजफ्फर साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दीन व वर्कर आज के इनॉग्रेशन में मौजूद थे। आज जो इनॉग्रेशन हुए हैं अलियाबाद कम्युनिटी हॉल के अंदर, अलियाबाद प्लेग्राउंड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा था। तकरीबन उस कम्युनिटी हॉल की लागत 50 लाख रुपए की और सामने उसके ऑपोजिट एरिया में शमशीरगंज में एक कब्रस्तान की दीवार उठा चुकी है जिसकी लागत 26 लाख रुपए की। और उसके बाद मुगल फकीर शाह तकिए के अंदर भी इस कब्रस्तान में भी दो बाउंड्री वॉल्स उठाए गए हैं और इसके सामने के इलाके में और एक कब्रस्तान में वहाँ एक बाउंड्री वॉल उठाई गई है। टोटल आज के जो इनॉग्रेशन हो रहे हैं तकरीबन 85 लाख रुपीज़ के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने अपने इलाकों में काम करिए, आवाम के साथ रहिए, आवाम की तकलीफ़ को समझिए, महल्ले के डेवलपमेंट को करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डिवीज़नों में और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए वो मुकम्मल करिए। उन्हीं की हिदायत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शालीमंडा डिवीज़न के जो पार्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लगता है इसके अंदर और भी कामा सब मिला के कर 1,12,00,000 रुपये के आज के कामा हुए हैं इस डिवीज़न के अंदर। उसका इनॉग्रेशन आज रखा गया था। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर आवाम से यह गुजारिश करता हूं, जो भी आपके महल्ले के अंदर मसाइल है आप बराबर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर से रब पैदा कीजिए, कॉरपोरेटर से रब पैदा कीजिए, मेयर से रब कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करना हमारा फरीज़ा है और इंशाल्लाह ताला जो भी हत्ता इम्कान कोशिश कर हम डेवलपमेंट इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के